यहाँ की वर्ण शब्द वाक्य पद और पद में जो हम लोगों ने पहले पढ़ा संज्ञा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। देखिए सबसे पहले वाक्य में सर्वनाम की उपयोगिता को समझिए। सर्वनाम का मतलब होता है सभी का नाम। आप लोग जो किताब में पढ़ते हैं लिखा होता है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। लेकिन देखिए ऐसा बहुत कम है। सर्वनाम का जो मुख्य काम है, मैं एक पैराग्राफ बोलता हूँ आपके सामने, उसमें आप लोग बताएंगे इसमें क्या गलती है। राधा सातवीं कक्षा में पढ़ती है, राधा के माता पिता राधा से बहुत प्रेम करते हैं। राधा अपनी क्लास में ईमानदारी के लिए जानी जाती है। राधा के दोस्त उसे बहुत प्यार करते हैं। राधा अपना काम निष्ठा पूर्वक करती है। राधा को अपने समय और अपने व्यक्तित्व की कीमत पता है। राधा सवेरे उठ करके अपने सभी कामों को निपटा करके मन लगाकर पढ़ाई करती है। वह क्लास में ध्यान पूर्वक पढ़ती है। अब यहाँ देख रहे हैं कि यह पैराग्राफ वाक्य में वाक्य के रूप में तो एकदम सही है, वाक्य के रूप में इसमें कोई गलती नहीं है। इसका मतलब व्याकरणिक रूप से गलती ना होने पर भी वाक्य में यदि किसी शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है तो वह अपना जो अर्थ देना चाहिए वह अर्थ नहीं दे पाएगा। इसका मतलब सर्वनाम का काम वाक्य में प्रयोग हो करके पदबंध को सही दिशा में जो मुख्य बात है वह कहने की क्षमता देना। वाक्य में सर्वनाम का काम है। दूसरा, वाक्य का अर्थ आपको पूरा समझ में आए पदबंध, इसके लिए भी बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि आप सर्वनाम का प्रयोग करिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वनाम केवल किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होता है, वह वाक्य और पदबंध में आकर के उस पूरे पैराग्राफ का अर्थ की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम देखते हैं कि जो सर्वनाम के मुख्य रूप से भेद हैं, आप सभी जानते हैं कि सर्वनाम के मुख्य रूप से छह भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। हम ये देखते हैं पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हिंदी में हम लोग प्रथम पुरुष मैं वे ये हो गया, मैं है ना, मैं और हम, ये प्रथम पुरुष है। तो अब हमें देखना पड़ेगा जीवन में, आप देखिए ये समझ भी लीजिए कि जहाँ आप अकेले खड़े हैं वही महान है, वही उत्तम पुरुष है जो अपने पर भरोसा करे। उसके बाद है मध्यम पुरुष, वे है ना थर्ड पर्सन, जो हमारे और आपके बीच में जो दूसरा आदमी आता है वो। और तीसरा है अन्य, सुनने वाला, जो बात को सुन रहा है। तो इस प्रकार हम सर्वनाम के तीन पुरुषों को देखते हैं। चलिए जरा पहले परिभाषा लिख लीजिए, हेडिंग बनाइए सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वह इत्यादि। मैं, तुम, हम, वह इत्यादि। सर्वनाम के छह भेद होते हैं। पैराग्राफ बदल करके ये जो लिखे गए हैं इनको लिख लीजिए आप। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये छह भाग लिख लीजिए और एक एक करके इसके बारे में लिखना। पहला लिखवाओ मैं, पहला लिखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए, वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए
एवं किसी अन्य के लिए करता है, एवं किसी अन्य के लिए करता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मैं, मुझे, हम, हमें, मेरा। मैं, मुझे, हम, हमें, मेरा, हो गया। दूसरा लिखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, तुम, तुम्हें, तुम, तुम्हें, तुम, आप, तू, तुम्हें, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हारे। अब लिखिए अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, हम, उसे, वे, हमें, वह, उसे, वे, उन्हें, इन्होंने, उन्होंने, इन्होंने, उन्होंने, वह, उसे, उन्हें। ये हो गया हमारा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब आ जाते हैं हम लोग नंबर दो पे, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, जिन सर्वनाम से निकट या दूर की वस्तु का बोध हो या व्यक्ति का बोध हो। निश्चयवाचक में जिन सर्वनामों से किसी निश्चित है, निकट या पास, निश्चय मतलब क्या, ये पास है और दूर, इसका बोध हो जाए तो क्या कहते हैं उसे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरी पेंसिल है, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। अब लिखिए नंबर तीन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे शायद कोई खड़ा है, दाल में कुछ काला, दाल में कुछ काला, शायद बाहर बारिश हो रही, ठीक है। नेक्स्ट आता है निजवाचक। नंबर फोर, निजवाचक, जिन सर्वनामों से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष का बोध हो, अन्य पुरुष का बोध हो, उसे निजवाचक कहते हैं। निजवाचक कहते हैं, जैसे मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं अपना काम स्वयं करूंगा। जो परिश्रम, अच्छा, तुम अपना काम स्वयं करोगे, तुम अपना काम स्वयं करोगे। नेक्स्ट है संबंधवाचक। संबंधवाचक, संबंधवाचक, जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त, किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त, अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने के लिए होता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनामों को
अन्य के साथ जोड़ने के लिए। फिर से बोल दो, ठीक है, जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने के लिए किया जाता है, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो करेगा, जो करेगा सो भरेगा, नेक्स्ट जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, ठीक है। लास्ट लिखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति वस्तु आदि के प्रश्न का बोध होता है, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति वस्तु आदि के विषय में प्रश्न का बोध हो, आदि के विषय में प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक। जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु आदि के प्रश्न का बोध हो, के बारे में प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कौन आ रहा है, वह कौन आ रहा है, यहां से पुस्तक किसने उठाई, और क्वेश्चन मार्क लगा दी, यहां से पुस्तक किसने उठाई। तो ये हो गया हमारा संज्ञा और सर्वनाम। अब हम लोगों को जो अगला टॉपिक पढ़ना है वो क्रिया विशेषण और अव्यय पढ़ना है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।